रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में आबाद और शाद रहें, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू टिक्की, जो कि लिंक रोड की बहुत ही मशहूर आलू टिक्की है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आलू आधा किलो मैश किए हुए उबले हुए, धनिया और पुदीना, सब्ज मिर्चें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ये बेसन है 1 कप है। इसके अंदर पानी डालेंगे और बैटर बनाएंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर धनिया पुदीना और ये सारे मसाले डाल देंगे। इसके अंदर प्याज नहीं जाता, ना ही पिसी हुई लाल मिर्चें जाती हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा उनको नई वीडियोस मिलती रहें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाली ये आलू टिक्की है। स्कूल कॉलेज जब भूख लगी हो ब्रेक के टाइम, और ये नान और आलू टिक्की हो, और इतना मज़ा आता है इसको खाने में। आप अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। ये बैटर तैयार हो चुका है। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सारे मसाले यही हैं। इसकी अब टिक्कियां बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। जब आप ख़ुद बनाएं तो प्लीज़ आगे भी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। इसी तरह मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब ये बैटर तैयार करेंगे। बेसन के अंदर पानी डालेंगे। आप इसकी जगह अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल रेसिपी आपको दे रही हूँ। वो बेसन यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं भी बेसन यूज़ कर रही हूँ। बैटर तैयार हो चुका है, अब हम कबाब बनाते हैं। ऑयल को गर्म कर लिया है। इसी तरह ये सारे डालते जाएंगे। प्लीज़ आप एक बार बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एक साइड से गोल्डन हो जाए, इन्हें दूसरी साइड पे करते जाएं। आलू टिक्की जो है वो दोनों साइडों से ब्राउन हो चुकी है। इसको मैं उतारती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आलू टिक्की जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।